अनुपमा देख रही हैं आप, आज मैंने तो कर ली है अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग। फिलहाल तो मैं ले रही हूँ एक ब्रेक, मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ शॉपिंग फिर से। तो क्यों ना आप भी मुझे ज्वाइन कर लें, वैसे क्या खरीदेंगी आप अपनी फैमिली के लिए? तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास और देखते हैं क्या कुछ नया हो रहा है आज इनकी कहानी में। बाकी घर चलो। चलो नहीं पापा, मुझे यही रहना है, मैं यही रहूंगी। बाकी तू ऐसे क्यों? अच्छी कोशिश है। कैसी कोशिश? मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश। बाकी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी कही बात टाल दे। जरूर तुमने उसे भड़काया होगा, उसे तुमने यहां पे रुकने के लिए कहा। उल्टा मैं इसे कब से कह रही हूं कि घर जा घर जा घर जा, लेकिन ये सुनती नहीं है। जिस तरह से ये आपकी बात नहीं मान रही है, वैसे मेरी बात भी नहीं मानती है। तो क्या करूं, इसे धक्के दे के घर से निकाल दूं? बच्चे बात मानते नहीं है अनुपमा, उनसे बात मनवानी पड़ती है। फिर शुरू हुई वनराज और अनुपमा के बीच लड़ाई। बाकी चलो बेटा घर चलो। बाकी की जिद पर शुरू हुआ कपाड़िया हाउस में तमाशा। बाकी मैं जिंदगी में तेरा बाप हूं तो जिद में भी तेरा बाप हूं मैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यहां से तुझे मैं खींच के ले जाऊंगा। बाकी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बाकी नहीं पापा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में बाकी अपना मन बनाकर पहुंच तो गई थी कपाड़िया मेंशन में, वहां पर अपना बसेरा डालने के लिए। लेकिन जैसे ही वनराज को ये बात पता चली तो वनराज के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते के साथ ही शुरू हुआ तमाशा। बाकी घर चलो। चलो नहीं पापा, मुझे यही रहना है, मैं यही रहूंगी। बाकी तू ऐसे क्यों? अच्छी कोशिश है। कैसी कोशिश? वनराज को लगता है कि ये सब किया धरा अनुपमा का है, लेकिन तभी अनुपमा ने अपने कदम पीछे कर लिए। स्वीटी तू जाने घर अपने पापा के साथ, अभी के अभी जा, मेहरबानी कर। और पाखी को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन पाखी ने जाने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। Enough, you both. Enough. ये सुनकर वनराज को आ गया गुस्सा, और पाखी पर कभी भी नाराज ना होने वाला पिता आज पहली बार अपनी बेटी पर भड़कता हुआ नजर आया। पाखी! मैं जिंदगी में तेरा बाप हूँ तो जिद में भी तेरा बाप हूँ मैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ से तुझे मैं खींच के ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाकी नहीं पापा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। Enough, you both. बस तुम्हें बाकी से बात करनी है, कमरे के अंदर जाओ, आराम से बात करो। यहाँ दरवाजे में खड़े होकर चीखो चिल्लाओ मत, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर तुम वो करना चाह रही हो जो तुम्हारी माँ ने किया, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। माँ ने किया मतलब? भूल गई, तुमने भी तो दोस्ती की आड़ में शादी से पहले अनुज के साथ रहना शुरू कर दिया। अब मैं अपनी बेटी को क्या दोष दूं जब उसकी माँ ने खुद ऐसे इतने बड़े कारनामे किए हैं। इसकी माँ ने प्रेम किया है, जब दोस्ती थी तब कहा कि दोस्ती है, जब प्रेम हुआ तब कहा, बेझिझक कहा कि प्रेम है। ना छुपाया, ना डरी, ना कोई लक्ष्मण रेखा पार की, और ना ही कोई मर्यादा तोड़ी। और आप मुझ पे उंगली उठाएंगे? आप? अरे मैंने तो रिश्ता टूटने के बाद प्रेम किया, लेकिन आप तो 8 साल पति पत्नी के रिश्ते की पीठ में खंजर मारते रहे। आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझ पे उंगली उठाएंगे? आप? इतना ही नहीं, वनराज ने तो आज पाखी को अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर आज वो घर वापस नहीं गई तो इसके बाद शाह हाउस के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। एंड आई एम तो शॉक्ड कि आप दोनों अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचते। अरे मुझ पे नहीं, पर एटलीस्ट अपनी परवरिश पे तो ट्रस्ट कर लेते। मुझे अपनी लिमिट्स पता है और अधिक को भी,
हम बच्चे जरूर है पर इतने भी स्टूपिड और केयरलेस नहीं है जितना आप दोनों हमें समझ रहे हैं। बट हमारी पाखी बिटिया महान है, बिल्कुल सही कह रही है। पाखी तुझे यहां रहना ना, तू रह जैसा तुझे सही लगे तू कर बेटा, मैं तुझे तेरा सामान खुद दे के जाऊंगा यहां पे, तू यहां रह और आज ही नहीं हमेशा के लिए रह तू। और एक बात ध्यान रखना बेटा, आज अगर तू यहां रुकी तो आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। पाखी करती क्या ना करती चुपचाप उसे वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले वो अपनी माँ से ऐसी बात कह गई कि जिसे सुनकर अनुपमा को लगा झटका। नई बेटी के वजह से सखी बेटी को निकाल रही हो ना मम्मी घर से, लेकिन लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है मम्मा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमानेंटली इस घर में आ जाऊं और आप कुछ कर भी ना पाऊं। अब देखना होगा कि अनुपमा इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।